तो मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल मैनमेटिक हिंदी में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से अनबॉक्सिंग। इस बार जो अनबॉक्सिंग होने वाली है ये विंगा जो है कि एक डाटा केबल की होने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया आती है। सिंथेटिक वायर में डाटा केबल होने वाली है, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर है जैकलिन फर्नांडिस। मैं तो डाटा केबल की क्या बात करूँ, इनकी ब्रांड एम्बेसडर की फ़ोटो देख देख के पागल हो जाएगा इंसान। इतनी बढ़िया फ़ोटो देख रहे हैं आप, क्या मस्त फ़ोटो है। चलिए डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए अपने प्रोडक्ट की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है विंगा जे प्रो अ यूबन प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ 6 मंथ वारंटी, प्रीमियम क्वालिटी, प्योर कॉपर केबल लिखा, मेड इन इंडिया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा है विंगा जे प्रो पावर कोड 1 मीटर माइक्रो USB सुपर फास्ट डाटा केबल यूबन प्रोडक्ट 4.1 एम्पेयर की इसकी आउटपुट है। 4.1 एम्पेयर, वाओ, इतनी फास्ट चार्जिंग होने वाली डाटा केबल की मत पूछिए। 4 एम्पेयर बहुत ज़्यादा हाई होता है भैया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल फास्ट चार्जिंग में आ जाता है वो। बाकी चीज़ों की बात की जाए कंटेंट की, तो V8 केबल है, 4.1 एम्पेयर की इसकी चार्जिंग स्पीड है, 1 मीटर वायर है, ड्यूरेबल केबल है, डाटा ट्रांसफ़र है, मल्टी डिवाइस कंपेटिबिलिटी है, और इसमें V8 है तो आईफोन और टाइप सी भी आती है, वो भी आपको मिल जाएगी क्योंकि ये तीनों बनाते हैं। बैक साइड पैनल की बात की जाए बाकी और कुछ डिटेल कंटेंट की, तो इसका मॉडल नंबर है VR226V8, पावर कोड माइक्रो USB सुपर फास्ट केबल है, 4 एम्पेयर 1 मीटर में होने वाला है। इसकी प्राइजिंग की बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है 6999, बट आपको इससे कम कीमत में मिल जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आके आपके परचेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। चलिए टाइम में ना गवाते इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस स्टेप से होने वाले स्टेप से ये निकलती है अपनी डाटा केबल। इसको साइड में रखते हैं और डाटा केबल देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही है और सिंथेटिक है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होने वाली है अपनी। अब ये नहीं पता है वारंटी में आती है कि नॉन वारंटी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इनके वारंटी में होते हैं कुछ नॉन वारंटी होते हैं, तो ये नहीं बता पाऊंगा कि वारंटी में है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है विंगा जो, यहाँ पे विंगा जो मेंशन है इसके, वहाँ पे देख सकते हैं विंगा जो है इस टाइप से हमारी है। ये जो हमारी होने वाली प्योर कॉपर में केबल है, प्योर कॉपर वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है BN102N, यानी कि ये डाटा केबल वारंटी में है। यहाँ पे डेट दे रखा है तो वारंटी वाली डाटा केबल होने वाली है। विंगा जो प्रो है यूबोन प्रोडक्ट होने वाला है। जो इसकी वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, सिंथेटिक है, कितना भी कोशिश कर लीजिए टूटेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा हैवी है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। वहीं हम माइक्रो USB की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से बहुत बढ़िया डिज़ाइन दे रखा है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सिंबल भी दे रखा है तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्लस इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मटेरियल जो यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज है। V8 का जैक है, देख सकते हैं जैसे कि ये, इसमें टाइप सी और आईफोन दोनों मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से बैंड होने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि इतनी बढ़िया है सिंथेटिक डाटा केबल है। इसकी वायर इतनी बढ़िया है कि टूटेगी ही नहीं, धागे वाली टोटल वायरिंग हो रही है। कितना भी इसको मोड़िए कुछ करिए यहाँ से ये ख़राब नहीं होगा, कितनी बार भी मुड़ेगा तो ये ख़राब होने का चांस नहीं है, ना ही यहाँ से और ना ही आपका यहाँ से, कितना भी मोड़ लीजिए ये ख़राब होने वाली नहीं है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कितना भी जोर लगाइए टूटेगी भी नहीं, तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है क्योंकि 4 एम्पेयर का ही आपका होने वाला है। मैंने इसको चार्ज करके देखा अपना मोबाइल, बहुत ही फास्ट चार्ज होता है, 10 मिनट में 6% चार्जिंग हो गई थी, इतनी फास्ट ये चार्जिंग है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, अगर 4 एम्पेयर का आपका डाटा केबल है तो अडाप्टर भी 4 एम्पेयर का होना चाहिए तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका अडाप्टर 1 एम्पेयर है 2 एम्पेयर का और 4 एम्पेयर का डाटा केबल ले लें तो आपको 4 एम्पेयर का आउटपुट मिलेगा। जितने एम्पेयर का डाटा केबल हो उतने एम्पेयर का ही आपका होना चाहिए अडाप्टर, तभी जाकर आपको सही कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट मिलेगा। इसलिए अगर 4 एम्पेयर का डाटा केबल ले रहे हैं तो 4 एम्पेयर का ही आप अडाप्टर यूज कीजिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और तभी आपका अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, आपको कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को फर्स्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर करें सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दे क्योंकि इस टाइप से जो भी वीडियो है मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, बहुत से टेक्नोलॉजी गैजेट्स वगैरह रिव्यूज़ बहुत सी चीज़ें आती रहती है, तो वो वीडियो विसना है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।